छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने दो बड़े चुनावी वादे किए हैं। राजनांदगांव में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की राशि को हम 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे, और इसके अलावा मजदूरों को हर साल दी जाने वाली 7,000 रुपए की राशि को 10,000 रुपए किया जाएगा। ये बड़ा वादा किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के प्रचार के लिए राहुल गांधी जुटे हुए हैं। दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राजनांदगांव में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वादे किए थे उससे ज़्यादा करके दिखाए हैं। 5 साल पहले ऐसी मीटिंग में भूपेश बघेल और मैंने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए थे जिससे बढ़कर हमने काम किया है। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की, और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे, कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा।